नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रतम में। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में विश्व हिंदू परिषद का फूटा गुस्सा, कहा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। ताजमहल में जलाभिषेक की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। दरअसल योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर ने सावन के महीने में ताजमहल पर जलाभिषेक, दूधाभिषेक और हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना के लिए वाद दायर किया था। बदलापुर कांड का आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में ढेर, एक पुलिस अधिकारी जख्मी। अमेरिका दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी, बीते दिन यूएन में पीएम ने रखा अपना संबोधन, वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म की बात की। कुशीनगर में सपा नेता चला रहा था जाली नोटों का कारखाना, लाखों की नकली करेंसी का जखीरा मिला। आरजीगर केस में सीबीआई ने के टीएमसी नेता विरूपाक्ष विश्वास से पूछताछ, हड़बड़ी में मृतक का अंतिम संस्कार कराने में था हाथ। त्रिपुरा में आज 400 उग्रवादी सौंपेंगे अपना हथियार, उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। इमामों पर मेहरबान हुई आंध्र प्रदेश की सरकार, नायडू सरकार हर महीने देगी मानदेय, हज के लिए दिए जाएंगे 1,00,000 रुपए। राजस्थान में 183 आरएएस अफसरों का तबादला, पिछले 24 घंटे में तीसरी तबादला की सूची जारी की गई। हरियाणा चुनाव में जीत को लेकर बोले भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर, कहा हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, आयोग ने लिया तैयारियों का जायजा, सियासी दलों के साथ हुई बैठक। मंकी पॉक्स के मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी, भारत में मंकी पॉक्स के घातक स्ट्रेन की एंट्री से केंद्र सतर्क। केंद्र सरकार रखेगी अब हर मोबाइल टावर पर नजर, स्पैम कॉल को रोकने का है लक्ष्य। इजरायली सेना द्वारा लेबनान में किए गए हवाई हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में 492 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1645 लोग घायल हुए। मानवता की सफलता युद्ध भूमि में नहीं, सामूहिक शक्ति में निहित, समिट फॉर फ्यूचर में बोले पीएम मोदी। शेख हसीना पर दर्ज हुआ कपड़ा मजदूर की मौत का मामला, इस्तीफे के बाद पूर्व पीएम पर अब तक कुल 194 केस। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक बने आईएसआई के नए महानिदेशक, 30 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार। जापान में भूकंप के बाद टोक्यो के साउथ इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी। कर्नाटक हाई कोर्ट सिद्धारमैया की याचिका पर आज सुनाएगा फैसला, मूडा से जुड़ा है मामला। यूपी के गाजीपुर में 1,00,000 का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में ढेर, आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में था वांछित। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।